गोबिंद साहब महाराज के चरणों में एक माई आती है, उसकी जिंदगी के साथ संगत 50 वरे लंघ जाते हैं, वो घर में औलाद नहीं होंगी, जमीन जायदाद पदार्थ सब कुछ है, किसी ने दसिया जा गुरु नानक के घरों सब कुछ मिलता है, जो मंगे ठाकुर अपने कहते ने आ जाती है। छेवें पातशाह का दरबार लगे गुरु हरगोबिंद साहब महाराज के चरणों चाहिए, जदों की मत्था टेकन की वारी आई तो हाथ जोड़ के कहती है महाराज धन दौलत पैसा पदार्थ सब कुछ है, बस घर में औलाद नहीं झोली भर दे। छेवें पातशाह माई वल वेख के उस माई को कहते ने माई तेरे भागों में औलाद रब ने लिखी नहीं हुई, तेरे कर्मों में औलाद रब ने नहीं लिखी, तेरे कर्मों च औलाद का सुख नहीं। जदों जवाब दिता तो मन भर गया, रोन लग पई। सतगुरु अगों कुछ ना बोले, सेवादार ने हलूणा दे के कहा माई पिछा होके बैठो, दूजियां भी मत्था टेकना है। वह रोंदिया रोंदिया पिछा बैठ जाती है। भाई संतोख सिंह लिखते कहते जदों वह माई रोंदिया सब तो पिछे बह गई तो फिर अपने आप नाल गल्लां करन लग पई, कहिंदी कर्म जलीए सुलखणीए, तेरे भागां च रब ने लिखिया ही नहीं, तेरे कर्मां च नहीं लिखिया, तैनू गुरु कोलों भी जवाब मिल गया, हुण तैनू कौन दे सकदा है। अपने कर्मां नू कोसदी होई रोस करदी रोंदिया उठ के दरबार चों चली गई। जदों 10-20 कदम अगां गई पिछों किसी ने परत के आवाज मारी, बेटा रुक जाओ। वह माई रुक गई, पिछा परत के वेख्या कौन है, ते जदों अखां पूंझदियां रोंदियां पिछा परत के वेख्या माई ने, ते पिछे साध संगत आवाज देने वाला पता कौन है, चिट्टा शमशदाड़ा बिरद शरीर, अखां दे भमणियां बाल भी चिट्टे, ये बिरद बजुर्ग है धन बाबा बुढ़ा साहिब जी। बाबे बुढ़े ने कोल होके कहा धीए रो क्यों रही है, उन्हें कहा बाबा रोवां ना ते होर की करां, किसे दसिया सी जो गुरु नानक दे घरों मंगो ओ मिलदा है, पर मैनू नहीं जे मिलिया। मैनू गुरु ने जवाब देता तेरे भागां विच औलाद रब ने नहीं लिखी। ते साध संगत जदों ओ माई रो पई ना, बाबे बुढ़े ने बचन कहती है ऐस बुढ़े वल वेख, मैनू 100 साल तो उपर हो गया इस घर में सेवा करता। बाबे बुढ़े की उम्र साध संगत 125 साल हुई, 113 साल धन बाबा बुढ़ा साहब जी ने सिखी कमाई सेवा की, 12 साल की उम्र में सिखी ली, 113 साल गुरु दे घर रहे, 125 साल उम्र हुई। कहते जदों बाबे बुढ़े ने कहा बेटा मैनू 100 साल तो उपर हो गया सेवा कर, मैं अज तक कोई उदास ते निराश जाता नहीं वेखे, फिर की हो गया तेनू, इन्ना ही गुरु ने कहा ना तेरे भागां च नहीं लिखिया। तो माही ने कहा बाबा जदों इन्ने कहता इस तो वड्डी होर की गल। बाबे बुढ़े ने कहा नहीं धीए जा, जेडे गुरु कोलों रुस के रो के वापस चली है, शायद तेनू विश्वास नहीं, जे तेरे भागां च नहीं लिखिया ओ गुरु भागां च लिखण दी समर्था रखदा है, ओनू जाके फिर अरदास कर, जे हुण तेनू कहणा तेरे भागां च नहीं लिखिया, कहिंदे पूरे विश्वास नाल मंग ली धीए, कहिंदे झोली अड के महाराज नहीं लिखिया ते हुण लिख दिओ तुसीं लिखणा। ओ माई दे सुन के मन च विश्वास आ गया, वापस परत गई। इन्ने नूं श्री गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जा चुके सन, उन्हें पूरा दिन इंतजार किया, शामां नूं पातशाह दे दीवान सजे सतगुर दे चरणां विच दर्शन करन लई लाइन विच लग गई। जदों दी वारी आई ना अखां नहीं खोलियां, बस मंगण लग पई, महाराज झोली विच दात पाओ पुत्र बख्शो। छेवें पातशाह ने नजर खोल के वेख्या अखां, तां वेख के कहिंदे माई तैनू ते सवेरे ही जवाब दित्ता है, तेरे कर्मां चो औलाद नहीं लिखी रब, माई तेनू सवेरे जवाब दिता है। तां ओह माई अगों रो पई, साध संगत इक्को ही गल कही महाराज नहीं लिखिया कर्मां विच, फिर हुण लिख दिओ तुसीं लिखणा। छेवें पातशाह ने इन्नी गल सुनी नाले ओह माई दी भुब निकल गई, रो पई। पातशाह गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज चुप कर गए, सारी संगत विच सन्नाटा छा गया। किसी सेवादार ने अगे होके माई नूं हटाया नहीं, उस जगह ते माई खड़ी। छेवें पातशाह तखत ते बैठे चुप कर गए। भाई संतोख सिंह लिखते एक घड़ी भाव 24 मिनट गुरु हरगोबिंद साहब महाराज बोले नहीं, संगत सुन हो गई।
पातशाह अखां बंद करके चुप होके बैठ गए। ते फिर एक घड़ी 24 मिनटां बाद बोले महाराज। भाई संतोख सिंह जी लिखदे कहिंदे एक घड़ी तब तुशन रहे हो तब श्री हर गोविंद मुख कहे हो। एक घड़ी 24 मिनटां बाद पातशाह बोले कहिंदे माई तेनू किसे जागे हुए ने जगा दिता। नाले महाराज मुस्कुरा पे कहने माई तेरे अंदर किसे ने विश्वास की किणक पा दिती है। ये विश्वास का रस्ता सीधा रब दे घर जांदा है। इन्ने भरोसे नाल मंगया जा गुरु नानक दे घरों बख्श दिता है। एक मंगा ते एक दिता उहदा की फायदा जा तेनू सत पुत्र बख्शे। धन गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी ने पातशाह ने बचन कहे विश्वास का रस्ता सीधे रब दे घर जांदा। इन्ने विश्वास नाल कोई मंगे ताइयों लिखे जाके हृदय विश्वास प्रभ आया तत् ज्ञान तिस मन प्रगटाया। ओनू सत पुत्रां दी दात बख्शिश कीती। अज तक सात संगत तो माई दी औलाद दे नां ते पिंड वसदे ने। इहनू कहिंदे ने हुक्मे धार धर रहावे हुक्मे उपजे हुक्म समावे। ओ अकाल पुरख वाहिगुरु जो कर्मां विच लिखिया होया सात संगत ओ देवी दिंदा और जे कोई गलत लिखिया ओनू कट के नवा लिख दिंदा। इह उहदे अपने हत्थ है। जिवें कोई हुण छोटे दुनियावी राजे ने जिहड़े अपने देश दे ਉਹ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿੱਲ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹਣ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਕਵੇ ਵਿਆਹ ਸੜਕ ਬਣਨੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੱਟਾ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਮੌਕੇ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਕ ਦਿਓ 6 ਮਹੀਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੱਟੇ ਡਿੱਗ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰੱਬ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਾਸ ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਭਾਈ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਉਸ ਦਾਤੇ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਦਾਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਦੱਦਾ ਦਾਤਾ ਇੱਕ ਹੈ ਸਭ ਕੋ ਦੇਵਣ ਹਾਰ ਦਿਨ ਦੇ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਅਗਣਤ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ। ਉਹਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਫਿਰ ਸਦਾ ਹੀ ਸੁਖਦਾਈ ਨੇ। ਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾਤੇ ਦੇ ਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸੁੱਖ ਹੈ। दुनियावी दातां कई बार कौड़ियां होण लग पैंदियां। कौड़ियां दा भाव पातशाह ने कहा जिहड़ा तुहानूं बहुत मिठा लगदा कई बार उही रोग बन जांदा। मिठा करके खाया कौड़ा उपजिया साध उहदे विच्चों स्वादां चों रोग पैदा हो जांदे। इदां जिहड़े पुत्तां धीआं संसार है साध संगत इही कई बार दुखदाई हो जांदा। इहदे विच ही औलाद बंदे नूं दुखी करन लग पैंदी। ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲਈਏ ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾਤਾਂ ਭਾਵ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਥਿੜਕਦੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਦੋ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਸ਼ਰੀਕੇ ਰਹਿਣ ਇਹ ਕਥਾ ਮੈਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈੱਟ ਉੱਤੇ ਪਾਈ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਸਨ ਅਜੇ 6ਵੀਂ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ। ਹੁਣ 5ਵੀਂ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ। ਦੋਵੇਂ ਸਕੇ ਭਰਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣੋਂ ਹਟ ਗਏ। ਬੱਟ ਬੰਨੇ ਦਾ ਰੌਲਾ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੋਸ ਵਧਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਸੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰੇ ਦੂਜਾ ਜਾਣ ਕੇ ਉਲਟ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬੱਚੇ ਇਕੱਠੇ ਖੇਡਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਚੰਗੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਕੀਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਈਏ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹ 5ਵੀਂ 6ਵੀਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਦਿੱਤੀ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਲੈ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬੱਚਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਸ਼ੌਕ ਬੜਾ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖਣੀ ਕਿਰਪਾਨ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਦਮਾਲਾ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਉੱਪਰ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਤੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ।